share together. आईपीएल सट्टेबाजी में अब सलमान खान के भाई अरबाज खान का नाम सामने आया है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी के मामले में उन्हें समन भेजा है। कहा जा रहा है कि सट्टेबाज सोनू जालान से पूछताछ के बाद अरबाज खान का नाम सामने आया है। माना जा रहा है कि अरबाज अब जल्द ही पुलिस के सामने हाजिर हो सकते हैं। पुलिस ने अभी हाल ही में एक सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में सोनू जालान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने यह समन अरबाज खान के बांद्रा स्थित घर भेजा था। समन के अनुसार इसमें कहा गया है कि मुंबई से चलने वाले घोटाले से संबंधित जांच के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। सूत्रों के अनुसार संदेह है कि अरबाज खान उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत के सट्टेबाजों द्वारा चलाए जा रहे घोटाले में भारी दाव लगाए थे। कहा जा रहा है कि सोनू जालान न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी सट्टेबाजी का रैकेट चलाता है। इसके अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से भी संबंध है। अरबाज का नाम सामने आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई अरबाज ही अकेले सट्टेबाजी करते थे या उनके साथ उनके परिवार का कोई और मेंबर भी है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।